आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं राम लड्डू। ये राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम ये चने की दाल, एक कटोरी हमने चने की दाल ली है, एक कटोरी मूंग की दाल ली है, इसको हम वॉश करके एक रात के लिए भिगो के छोड़ देंगे, जिससे ये रात भर फूल जाए और पीसने में हमें आसानी हो। हमने ये वॉश कर करके ये दाल भिगो दी है। अब हम इसको 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़। अब हमारी दाल भीग चुकी है, हमने भिगोई थी, तो ये हमारी 4-5 घंटे भीगने के बाद दाल ऐसी हो गई है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना। अब हमारी दाल पीस चुकी है, अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालकर इसको 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इतना हमारी दाल फेंटी जाएगी, इतने हम ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये पकौड़ियाँ डाल देते हैं। बड़ी छोटी जैसी आप चाहें वैसी बना सकते हैं, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करें वैसा कर सकते हैं। इनको ऐसे ऊपर नीचे पलट पलट के इनको गोल्डन होने तक सेक लें, और जब कभी कुछ खाने के इससे बोर हो गए हैं या खाने का मन नहीं है तो आप इन्हें बना के आराम से खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती हैं। आप जगह घर में बनाएं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। अब हमारी ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ऐसे करके आप धीरे धीरे करके निकाल लीजिए। एक मूली कद्दूकस करके रख ली थी, ये हरी चटनी है, ये चाट मसाला, ये नमक, इन ये अब हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। ऊपर हम कद्दूकस करी हुई मूली डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डाल देते हैं। आप मीठी चटनी भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं और चाट मसाला। अब हमारे राम लड्डू खाने के लिए तैयार हैं। आप खाइए और खिलाइए। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद।